हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करने वाले हैं नोटिस राइटिंग। नोटिस राइटिंग वैसे तो ग्रामर का वन ऑफ द इजीएस्ट टॉपिक है, फिर भी स्टूडेंट्स इसमें बहुत सारे मिस्टेक करते हैं। उस मिस्टेक को दूर करने के लिए आज मैं ये वीडियो लेकर आया हूँ डेडिकेटली आपके लिए। आप अगर इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करिए, वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक करना और शेयर करना उन दोस्तों के साथ जो नोटिस राइटिंग में मिस्टेक्स करते हैं। आज हम कंप्लीट फॉर्मेट डिस्कस करने वाले हैं, साथ ही एक क्वेश्चन को यहीं पे सॉल्व भी करेंगे। सो चलिए वीडियो में बने रहिए अंत तक। चलिए यहां देखिए, हमारे साथ है एक नोटिस राइटिंग का पूरा फॉर्मेट जो कि सारे बोर्ड एग्जाम्स के लिए, चाहे वो सीजी बोर्ड हो, सीबीएसई हो, यूपी बोर्ड हो, सारे बोर्ड्स के लिए यही फॉर्मेट सजेस्टेड है। और अगर आप होम एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आप क्लास 7, 8, 9, 6 किसी भी क्लास में है और अगर आपको नोटिस राइटिंग लिखनी है तो आपको यही फॉर्मेट फॉलो करना है। बेसिकली नोटिस राइटिंग लोगों को नोटिस देने के लिए, मतलब अगर आप कुछ मैसेज कन्वे करना चाह रहे हैं बहुत सारे लोगों को, तो नोटिस राइटिंग लिखा जाता है। इस नोटिस राइटिंग को नोटिस बोर्ड में लगाया जाता है ताकि पढ़ने वाले इसे पढ़ें और समझें कि आप कौन सा मैसेज बताना चाह रहे हैं, इसलिए लिखा जाता है नोटिस राइटिंग। सबसे पहले आप देखिए, जो फर्स्ट थिंग है वो होता है आपके स्कूल का नाम, ठीक है, स्कूल नेम, या फिर आपके कॉलेज का नाम या आपके ऑफिस का नाम। सो इन तीनों जगहों के लिए, मतलब आप जहां पर काम कर रहे हैं या आप जहां पर पढ़ रहे हैं, उस जगह का नाम सबसे पहले आपको वहां पे मेंशन करना है। जगह मतलब उस स्कूल का नाम, उस कॉलेज का नाम या फिर आपको अपने ऑफिस का नाम यहां पे लिखना होता है, ठीक है। तो फर्स्ट थिंग हमने देख लिया क्या, यहां हम लिखेंगे सबसे फर्स्ट इंस्टीट्यूशन नेम, ठीक है, जिस भी इंस्टीट्यूट में आप पढ़ाई कर रहे हैं या फिर आप काम कर रहे हैं, सो वहां का नेम आप लिखेंगे। सेकंड पॉइंट आपको लिखना है नोटिस, वो भी सारे कैपिटल लेटर्स में, NOTICE इज ऑल कैपिटल, ठीक है। सो फर्स्ट थिंग इंस्टीट्यूशन नेम, सेकंड आपको लिखना है नोटिस, थर्ड आपको लिखना है वो भी लेफ्ट कॉर्नर पे, ठीक है, कौन से कॉर्नर पे, लेफ्ट कॉर्नर पे। थर्ड नंबर पे आपको लिखना है डेट, और डेट को इसी हिसाब से लिखेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम डेट, उसके बाद कौन सा मंथ है, फिर कौन सा ईयर है, इस तरीके से लिखते हैं। तो बहुत सारे बच्चे यहीं पर मिस्टेक करते हैं, वो क्या करते हैं, वो कुछ इस तरीके से डेट लिख देते हैं, जो कि एक गलत तरीका है, ठीक है। आपको इसे सही तरीके से मेंशन करना है, वो ऐसा, ठीक है। सो अगली बार जब आप डेट लिखेंगे तो इन बातों का ध्यान रखेंगे, सबसे पहले डेट, उसके बाद मंथ, और उसके बाद फिर आपको लिखना है ईयर, ठीक। अब थर्ड नंबर का काम हो गया, उसके बाद फोर्थ नंबर पर हम देखते हैं क्या, टॉपिक, जो आपका टाइटल है, आप किस लिए लिख रहे हैं, और ये अच्छे तरीके से सेंटर में होना चाहिए। क्यों, क्योंकि सबसे पहला जो भी नोटिस रीड करेगा, जो भी इंसान नोटिस रीड करेगा, सबसे पहले देखेगा वो कहाँ का नोटिस है, ठीक। नोटिस वर्ड उसको बताएगा कि ये जो लिखा हुआ है ये पूरा नोटिस है किसी तरीके का। डेट कब लिखा गया था, बहुत पुराने डेट के लिए तो नहीं है, ठीक है, क्योंकि आउटडेटेड भी कई बार होता है, जैसे किसी नोटिस बोर्ड में पिछले साल का लगा हुआ है जो कि अभी काम के लिए नहीं है। सो थर्ड हमारा ध्यान जाता है कहां पर, डेट की तरफ। फिर चौथा टॉपिक या टाइटल, टाइटल पढ़ने के बाद समझ में आता है ये उसके काम के लिए है या फिर नहीं। जैसे इस क्वेश्चन में देखिए, हमने रखा है क्राइटेरिया क्या, 6 to 8 के लिए, ठीक है। सो अब जो बच्चे होंगे वो पढ़ेंगे, प्लस जिनको फैंसी ड्रेस कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट करना होगा वो आगे रीड करेगा, जिसे फैंसी ड्रेस कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट नहीं करना है वो आगे क्यों रीड करेगा। इसलिए जो फोर्थ नंबर पे है ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, और बहुत सारे बच्चे इसे लिखना मिस कर देते हैं। सो आपको फोर्थ नंबर पर क्या लिखना है, टाइटल, वो भी कहाँ लिखना है, सेंटर में, ठीक। तो इस तरीके से आप लिखेंगे, इस तरीके से चाहे तो आप फर्स्ट लेटर को हाईलाइट भी कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन अंडरलाइन नहीं करना है, ठीक। अब ये हो गया हमारे लिए, हमारा टॉपिक ये कहाँ से मिलेगा सर, तो ये मिलेगा आपको आपके दिए हुए क्वेश्चन में, ठीक है, आपके टीचर ने जो भी आपको क्वेश्चन दिया होगा एग्जाम में वहाँ पर ये मेंशन होता है, वहीं से आपको निकालना है कि आपको कौन से टॉपिक के बारे में लिखना है। सो होप आपको ये टाइटल वाला पार्ट क्लियर हुआ होगा।
अब हम यहां से शुरू करते हैं, यहां से यहां तक ये हमारा होता है नोटिस का बॉडी कंटेंट, ठीक है। इसके अंदर हम मेन मेन चीजें लिखते हैं, हम कभी भी इसमें कोई भी चीज घुमा फिरा के नहीं लिखते हैं, ठीक है, पॉइंट टू पॉइंट। सेकंड थिंग, इसमें आप कोई सी भी अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन नहीं ऐड करोगे, ठीक है, जैसे कि मेरा नाम क्या है, मैं कौन सी क्लास में हूं, मैं किस क्लास का मॉनिटर हूं, या मैं क्यों इस चीज को लिख रहा हूं। आप किसी भी तरीके से इस वाले पार्ट में अपना पर्सनल डिटेल ऐड नहीं करेंगे, उसके लिए अलग सा सेक्शन है और उसमें भी एक लिमिटेड चीज ही ऐड करनी है। सो बहुत सारे स्टूडेंट यहां पे शुरू करते हैं, जैसे हम लेटर शुरू करते हैं ना, फॉर्मल और इनफॉर्मल लेटर, ठीक है, कि माय नेम इज दिस, ये ना यहां पे नहीं करना है, ठीक है। सो आपको शुरू करना है टॉपिक से। अब देखिए ये एकदम स्ट्रेट टॉपिक शुरू हुआ है, एन इंटर स्कूल फैंसी ड्रेस कॉम्पिटिशन इज बींग ऑर्गेनाइज्ड ऑन 15th December, 15th December को क्या हो रहा है, स्कूल एक ऑर्गेनाइज कर रहा है कंपटीशन। कौन सा कंपटीशन है? इंटर स्कूल फैंसी ड्रेस कंपटीशन, मतलब अलग अलग स्कूल के बच्चे पार्टिसिपेट कर सकते हैं इसमें, ये फैंसी ड्रेस कंपटीशन है। कब होगा? 15th December, ठीक है। आपको कुछ चीजें, कुछ पॉइंट्स बहुत अच्छे से क्लियर करनी है, जिसके लिए अभी मैं एक छोटा सा लिस्ट बनाऊंगा, ठीक। Those who are willing to, willing मतलब जिनकी इच्छा है, those who are willing to participate, जो participate करना चाहते हैं in this competition should meet Mr. XYZ। अब यहां पे उस टीचर का नाम लिखना है जिनसे वो मिलेंगे, ताकि जा करके वो अपना नाम रजिस्टर करा पाए और आगे के अपडेट्स ले पाए। सो यहां पर मेंशन करना है कि किससे मिलना है। On 1st December कब मिलना है, ये भी मेंशन करना है, ठीक है। क्यों? क्योंकि वो टीचर हो सकता है कहीं बाहर पढ़ा रहा हो या फिर और कुछ काम में बिजी हो, फिर अब बार बार लोग जाके उन्हें परेशान करें, तो एक कोई टाइम होगा कि उस टाइम में जाइए अपना नेम रजिस्टर कराइए, ठीक। फिर कब? 1st December 2023 at 10 AM। अब टाइम भी हमने बता दिया कि कौन से टाइम पे जाना है, ऐसा नहीं चलती क्लास में आप उठे और फिर बोले मैडम मुझे जाके नेम रजिस्टर कराना है, सो टीचर भी डिस्टर्ब, वो टीचर भी डिस्टर्ब, ये भी बताओ। तो हर चीज क्लियर बताना है आपको, कौन कौन सी चीजें क्लियर बतानी है, इसके लिए मैं यहां पर एक छोटा सा लिस्ट बना देता हूं। फर्स्ट आपको क्या बताना है कि कौन से डेट को रजिस्टर करना है, ठीक है, मतलब रजिस्ट्रेशन का पूरा डिटेल आपको देना है, डेट, फिर आपको बताना है टाइम, फिर वो कौन सा पर्सन है जो ये रजिस्टर करेगा, ठीक है, प्लस कंपटीशन का डेट, ठीक है, और कंपटीशन का डेट, और अगर कंपटीशन हो रहा है तो वो किसी जगह पर होगा, तो कंपटीशन का प्लेस भी बताओ कि कहां पर कंपटीशन होगा, ठीक है, अगर क्वेश्चन में मेंशन है तो, ठीक। सो इन चीजों को आपको बताना जरूरी है कि कब रजिस्ट्रेशन होगा, कितने बजे रजिस्ट्रेशन होगा, कौन रजिस्टर कर रहा है, फिर कंपटीशन का डेट कब है, इन चार चीजों को बहुत जरूरी से आपको बताना होता है, ठीक। फिर जैसे हमने बता दिया क्या कि किससे मिलना है, मिस्टर एक्स वाई जी, वो जो भी आपके टीचर होंगे आप उनका नाम यहाँ पे मेंशन करेंगे। कब मिलना है? 1st December को मिलना है। फिर कितने बजे मिलना है? 10:30 को। कहाँ मिलना है? स्कूल का ऑडिटोरियम, स्कूल का कोई या तो प्लेग्राउंड होगा, ऑडिटोरियम होगा, असेंबली होगा, या कोई पर्टिकुलर क्लास होगा, डांस रूम है, म्यूजिक रूम है, जहाँ पर भी होगा आपको वो जगह बताना है। ओनली क्लास 6 to 8 स्टूडेंट्स आर एलिजिबल। अब क्लास 9, 10, 11, 12 वाले नहीं जा सकते, क्लास 1, 2, 3, 4, 5 वाले नहीं जा सकते। आपने इसे यहाँ पर स्पेसिफिकली क्लियर कर दिया है कि कौन से, तो सारा डिटेल जो इंपॉर्टेंट डिटेल है ना, वो सब के सब आपको यहाँ पे फीड करना है, ठीक है, कोई भी इंफॉर्मेशन छूटे नहीं। स्टूडेंट्स आर एलिजिबल, फिर स्पेशल नोट्स होते हैं, अगर कोई भी चीज ऐसी है जो स्पेशली बतानी है तो आप उसको नीचे मेंशन कर सकते हैं पैराग्राफ के बाद। क्या है? ड्रेसेस शुड बी अरेंज्ड बाय द पार्टिसिपेंट्स, ठीक है, फैंसी ड्रेस में पार्टिसिपेट कर लिया, किससे करना है, कहाँ करना है, कब मिलना है, ये सब हो गया, ठीक है। अब आपको क्या बताना है? आपको ये बताना है कि इस वाले केस में ड्रेसेस स्कूल प्रोवाइड नहीं कर रहा है, तो ड्रेस आपको खुद को अरेंज करना है, तो वो चीज हमने यहां पे नीचे मेंशन कर दी है, ठीक है। अब इसके बाद आपको एक लाइन का गैप छोड़ना है, और गैप छोड़ने के बाद आपको अपना नाम मेंशन करना है। अगर क्वेश्चन में कोई नाम दिया है
ठीक है, वहां पे दिया होगा यू आर अभिमन्यु, यू आर मोहक, आप अगर ऐसे वर्ड्स वहां पे मेंशन है तो आपको उसी नेम को अपने नाम की जगह पर लिखना है। और अगर क्वेश्चन में कोई नाम नहीं दिया है तो आप अपना ओरिजिनल नाम लिखेंगे। ठीक, फिर आपका अपना डेजिग्नेशन, डेजिग्नेशन का मतलब होता है पोस्ट। ठीक है, सो अभी हमने कुछ चीजों का ध्यान रखा है, एक बार फिर से रिवाइज करते हैं जल्दी से। नंबर वन होता है क्या, स्कूल कॉलेज का नेम। सेकंड, आपको कैपिटल में लिखना है नोटिस वर्ड को। थर्ड, आपको लिखना है डेट को। फिर फोर्थ, आपको लिखना है आपके टाइटल को। ठीक, फिर उसके बाद यहां से यहां आप अपना बॉडी कंटेंट लिखेंगे, वो भी बहुत कम शब्दों में, लेकिन सारे का सारा डिटेल वहां पर होना चाहिए। छोटा लिखने के चक्कर में कोई भी डिटेल को मिस नहीं करना है। कभी भी आप नोटिस राइटिंग को हेलो माय नेम इज दिस, गुड मॉर्निंग माय नेम इज दिस, यहां से शुरू नहीं करेंगे, मतलब कोई भी पर्सनल इंफॉर्मेशन यहां ऐड नहीं करेंगे। ठीक, फिर आप कोई नोट होगा उसे आप नीचे मेंशन करेंगे आफ्टर योर मेन पैरा। फिर आपको अपना नेम देना है या फिर क्वेश्चन में जो भी नेम होगा वो। फिर आपको अपना पोस्ट या डेजिग्नेशन बताना है। ठीक है, सो इस तरीके से करना है। मोस्ट इंपॉर्टेंटली, जैसे ही ये आप लिख लेते हैं तो आपको एक बॉक्स से इसको कवर करना है। ठीक है, क्योंकि नोटिस राइटिंग शुड बी इन अ बॉक्स। नोटिस राइटिंग किस में होना चाहिए, एक बॉक्स से कवर होना चाहिए। बहुत अच्छे से स्केल की हेल्प से आप उस बॉक्स को बनाएंगे, जितना अच्छा दिखेगा उतने अच्छे मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, फॉर्मेट कलर, फॉर्मेट करेक्ट होगा तो फॉर्मेट पे भी नंबर है और आपके कॉन्टेंट पे भी। चलिए, अब उम्मीद करता हूं आपको नोटिस राइटिंग अच्छा अब सही तरीके से क्लियर हो गया होगा। अब हम एक क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी कर लेते हैं ताकि आपको वो डाउट भी क्लियर हो जाए। सो यहां देखिए, हमारे पास एक क्वेश्चन है, क्या है, योर स्कूल इज ऑर्गेनाइजिंग एन इंटर स्कूल चेस कॉम्पिटिशन। सो प्रीवियस क्वेश्चन की तरह ही, ठीक है, जो भी आपका टॉपिक हो, ये मुझे यहां से यहां टॉपिक मिल गया, टाइटल कि किस चीज के बारे में है, इंटर स्कूल चेस कॉम्पिटिशन, ये है हमारा टाइटल फॉर क्लासेस 6 to 9th। ठीक, कब होगा, 16th जनवरी 2024 को होगा। राइट अ नोटिस टू बी पुट अप ऑन द स्कूल नोटिस बोर्ड इनवाइटिंग स्टूडेंट्स वॉलंटियर। तो जो लोग इंटरेस्टेड हैं वो आ करके यहाँ पर अपने नेम को रजिस्टर कराएं। सो अब सबसे पहले हमने क्या देखा, आप चाहो तो बॉक्स बना करके शुरू कर लें अगर आप भूल जाते हैं, बट ध्यान क्या रखना है कि बॉक्स नीचे की तरफ से लाइन अभी नहीं बनानी है। क्यों, क्योंकि आपको भी नहीं पता होगा कि आपकी नोटिस कितना नीचे तक जा सकता है, सो वो लाइन को ब्लैंक छोड़ना है। ठीक है, फिर बॉक्स होने के बाद हमने क्या सीखा था, नंबर वन हमने देखा था स्कूल और कॉलेज का नाम। तो सबसे पहले हम स्कूल का नाम ले लेते हैं। ठीक है, हम स्कूल के नाम ले लेते हैं, ए बी सी स्कूल। ठीक है, और ये ए बी सी स्कूल कहाँ है, ये है दिल्ली में। ठीक, ये हमने लिख दिया। आप अपने स्कूल का नाम लिखेंगे और यहाँ पे अपने शहर का नाम लिखेंगे। ठीक, फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, आपको जो लिखना है वो क्या होने वाला है, वो है नोटिस, और वो भी कैपिटल लेटर में। ठीक, हमने लिख दिया नोटिस। नेक्स्ट है, आपको थर्ड चीज लिखनी है, वो है डेट, और आज का डेट है 25th December 2023। तो जिस डेट को ये रिकॉर्ड हो रहा है, 25th December 2023। ठीक, फिर उसके बाद यहां आपको लिखना है आपका टाइटल। टाइटल कहां है, ये रहा टाइटल, तो आपको फिर कैपिटल से शुरू करना है। सो इंटर स्कूल चेस कॉम्पिटिशन। ये हमने टाइटल लिख दिया। अब उसके बाद आपको थोड़ा स्पेस छोड़ना है एक लाइन का, और फिर यहां से आपको अपना बॉडी कंटेंट शुरू करना है। ठीक, फिर यहां से आप सीधे अपने लैंग्वेज में आराम से, बट बिना पर्सनल इंफॉर्मेशन दिए और बिना ग्रामेटिकल एरर के आपको पैराग्राफ फॉर्म करना है। सो मैं सिंपल लैंग्वेज ले लेता हूं कि अब स्कूल इज गोइंग टू ऑर्गेनाइज an inter school chess competition
ठीक है, और सारे लेटर आपको लेने हैं स्मॉल में। इंटर स्कूल चेस कॉम्पिटिशन कब? ऑन 16th January 2024, ठीक है। फिर लिखिए दोज हु आर इंटरेस्टेड, फर्स्ट ऑफ ऑल, फिर लिखिए क्या कि आप कौन से पार्टिसिपेंट्स को इनवाइट कर रहे हैं, फिर मेंशन करेंगे दिस कॉम्पिटिशन इज फॉर क्लास 6th to 9th ओनली। सो दोज हु आर विलिंग टू पार्टिसिपेट कैन रजिस्टर देयर नेम विथ मिस्टर अमित। कहां पर? अब आपको यहां पर मिस्टर अमित ऑन डेट मेंशन करना है कि कौन से डेट को आप यहां पर अपना नाम देने या रजिस्टर करने जा सकते हैं। सो रजिस्टर देयर नेम विथ मिस्टर अमित ऑन लेट्स डे 3rd January को ले लेते हैं, 3rd January 2024, ओके। कहां पर? एट क्लास 6B। तो वो टीचर कहां मिलेंगे? क्लास 6B में मिलेंगे, ठीक है। कब? एट 10 o'clock या 10 AM। तो इस तरीके से आपको कंप्लीट डिटेल देना है कि कौन से इंसान से मिलना है, फिर कब मिलना है, कितने बजे मिलना है और कहाँ मिलना है। ये सारी डिटेल्स मेंशन करने के बाद आपको फिर मेंशन करना है अपना नेम, ठीक है। सो यहाँ पर आप मेंशन करिए अंकित सिंह, और उसके बाद फिर आप यहाँ पर अपना डेजिग्नेशन देने वाले हैं, ठीक है। अब डेजिग्नेशन हो सकता है कि आप हेड बॉय हो, ठीक है, या फिर किसी और पोस्ट पर डेजिग्नेट हो, ठीक है। अगर आप लड़की हैं तो आप अपने हिसाब से लिखेंगे, हेड गर्ल हैं तो हेड गर्ल लिखे, या फिर जिस, और उसके बाद एट द एंड हम इसको एनक्लोज करेंगे एक बॉक्स के साथ। सो होप आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी और आप अब से नोटिस राइटिंग में कोई भी मिस्टेक नहीं करने वाले हैं। जब भी आपका एग्जाम होगा आप इसे एक बार जस्ट 10 मिनट्स के लिए रिवाइज करिए और फिर एग्जाम के लिए जाइए। यू आर वेल सेट रेडी। अब मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में, जहां हमने डिस्कस किया है फॉर्मल और इनफॉर्मल लेटर्स को, साथ ही साथ हमने ग्रामर के सारे टॉपिक्स को कवर करके अपने चैनल पर ऑलरेडी पोस्ट कर लिया है। सो अगर आप चैनल पे नए हैं तो आप इसे सब्सक्राइब करिए ताकि आपके ग्रामर को और आपकी इंग्लिश को और ज़्यादा इम्प्रूव करने में हम आपकी हेल्प कर सकें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।